वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह करम एहसान। भाई साहब आपको पंजाबी समझ आती है? आ जाती है थोड़ी बहुत। अच्छा फिर उर्दू ही चलेगी जी। अच्छा भाई साहब सबसे पहले तो आप ये बताएं आपकी फिटनेस का और सेहत का क्या राज है, क्या खाते हैं आप? बस जी आम से बस खाते हैं सब्जी वब्जी और क्या खाएंगे, सब्जी दाल से बस गुजारा करते हैं। अच्छा नहीं कोई ना कोई राज तो है आपके पास? नहीं नहीं कोई ऐसा खास राज नहीं। अच्छा माशाल्लाह। और कबूतर परवीक से स्टार्ट लेते हैं, मतलब आपका स्टार्ट कैसे हुआ है शौक का? शौक तो बचपने से ही, पहले हमारे बड़े भाई को था जी, फुल टाइम के ऊपर जब जाते थे उस दौरान से शौक बचपने कम से कम 40 साल हो। अच्छा तो स्टार्टिंग में मतलब कबूतरों का शौक आपको कैसे हुआ? पहले हमारे बड़े भाई ने रखे थे कबूतर जी, उसके बाद फिर उनको देखते फिर हमको भी शौक हो गया। अच्छा तो सबसे पहली बाजी आपने कब खेली या शौक का स्टार्ट कब किया? तकरीबन 30 साल पहले हमने खेली थी पहली मरतबा। अच्छा तो उस्ताद खलील थे जी, ऐसी खट में बैठे हुए थे तो किसी बाजियों की बात चल रही थी तो उन्होंने लगाई नहीं, तो मैं कुछ बीच में बोला तो उसने बोला यार तो आप तुम बहुत बड़े हो गए लगाओ बाजी। अच्छा। पहली बाजी 21 बाजी उनसे हमारी उड़ी थी, वो हम हार गए थे, मैं 21वीं बाजी में फाइनल हुआ। 21 बाजी आपने पहली बाजी की लगा दी और 21वीं बाजी में फाइनल हुआ था। और उसके अंदर उनकी एक कबूतरी थी छैया नाम था उसका, छैया अंधेरे में बैठती थी आवाज के ऊपर, हमने अच्छी फाइट की जीते हुई पर अच्छा शौक हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी बात है। तो मतलब आप बाकायदा तौर पे शागिर्द किस उस्ताद के? हम उस्ताद इरफान हैं, उस्ताद इरफान उस्ताले जी, इंतकाल हो गए तकरीबन 5 साल हो गए। अच्छा जी। दिल्ली से उनका ताल्लुक था, बहुत नाइस आदमी था और बहुत समझदार थे कबूतरबाजी के अंदर जी, और जोड़ा लगाने के बड़े स्पेशलिस्ट थे। अच्छा। सस्ते टाइम के जब हमने कबूतर रखे हुए थे तो मार्केटों में जाते थे कट्टू कबूतरों में से जो है ना कोई नल ले लिया कोई मादिन ले गया जोड़ा छोड़ दिया करते थे जी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट उनको होता था। उसके मशहूर वाकयात है पूरे कराची के अंदर, मुश्किल है 20-30 रुपए का कबूतर लिया किसी दे दिया। अच्छा जी जी। उसके बाद फिर मादा ला के दिया और बच्चे बेहतर जैसा बताएंगे वैसा। भाई साहब आप माशाल्लाह बड़े काबिल उस्ताद के शागिर्द हैं, कुछ आपने उनसे सीखा और कुछ आगे आपने किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपको रिजल्ट भी बहुत शानदार मिल रहे हैं उनके। तो कराची के हवाले से मतलब स्टेट या बाजत है शौक के ऊपर माशाल्लाह, अब तक के आप कितनी मरतबा के चैंपियन हैं? चैंपियन तो हम काफ़ी, 3 दफ़ा हमने हैट्रिक किए, 12 साल लगातार चैंपियन रहे। ठीक है। अभी भी जब भी कप उड़ता है किसी न किसी नंबर में होते हैं। अच्छा तो लास्ट हाईएस्ट परवाज जेट की आपके कबूतर की कौन सी रही है, कितनी रही है? हमारे जो है 74 घंटे 75 मिनट 74 घंटे 30 मिनट। अच्छा लास्ट परवाज की बात कर रहा हूँ जो हिट परवाज होती है। हिट परवाज जो हमारी 8 बजे तक बैठे हैं, 7:45-46 इस तरह, या फिर टाइम आउट होकर बैठ जाते हैं। अच्छा। और सर्दियों के अंदर 7 बजे का टाइम होता है तो आखिरी पर हमारी 7 बजे तक, 2 मरतबा पूरे 7 बजे कबूतर बैठे। माशाल्लाह जबरदस्त। भाई साहब आपने को पट्टी वालों का भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड लगा दिया, वो कितने इतने बड़े एक मुनसब जो है वो इतना लंबे टाइम पे बैठेगा तो उसको नेहरू बयान के इंजेक्शन 2 लगाने पड़ेंगे। नहीं कैल्सी देनी पड़ती है सबसे पहले तो उसको, 8 बजे कैल्सी देनी पड़ती है, वो बंदा खुद से पागल हो जाता है, कहता है वो देखो किसी को नहीं पता आज कबूतर छोड़े, कोई खाना मालिक नहीं बोलेगा आज मैंने सेंचुरी बनानी है या काबिलीबाजी के अंदर मैंने आज कितने घंटे बनाने हैं जी। जब कबूतर उड़ते आता है ना सुबह से मुंसिफ आया होता है 6 बजे से, 6 बजे के बाद जब मुंसिफ चलता है शाम 6 बजे तक 12 घंटे हो जाता है, जैसे 14 घंटे होते हैं 8 बजे के बाद, तो वो कहता है कबूतर कब बैठेंगे, पहला कबूतर ही माशाल्लाह से 12:01 पे 17 घंटे के बाद माशाल्लाह। अच्छा ऐसा मुझे आप ये बताइए जो दाना पानी है कबूतर को उड़ाने का, वो आप प्रायोरिटी इंग्लिश दाना पानी को दे रहे हैं जो आज का चल रहा है या आप देसी को चलाते हैं ज्यादा? दोनों मिक्स है तकरीबन, देसी भी है वो भी, देसी भी है वो भी है। तो कौन से कबूतर ने आपका नाम जो है वो मुतारफ करवाया कि को हाजी यूसुफ भी शौक करने वाला है? इसमें हमारे पास ये कमंगर कबूतर जो है ये ज्यादा तादाद में और ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका, ये हमारे पास ज्यादा ये उड़ते हैं ज्यादा। अच्छा ये उड़े, कोई आपका सबसे ज्यादा उड़ा हुआ कबूतर आप बताएंगे जिसका नाम आपको याद हो कि बहुत ज्यादा उड़ा? एक मोती वाला कबूतर था हमारा, बड़ा मशहूर कबूतर हुआ सा कबूतर था, वो हमेशा अंधेरे में बैठता था, टाइम आउट हो जाता था 8:05 8:02 कभी जिंदगी में रहा नहीं, तो एक दफा ऐसा वो पता नहीं वो नहीं आया, बहरहाल वो बहुत नाम पैदा किया उसकी ब्रीड भी बनाई आपने? जी जी बिल्कुल ठीक। अच्छा ब्रीडिंग लेवल में जो मतलब पाकिस्तान के जो नामवर उस्ताद हैं आप इनमें से ज्यादा किससे ज्यादा मुतासर हैं? हमारे मेहर असगर साहब हैं, चौधरी सकी साहब हैं, ये ज्यादा इनको आप ज्यादा लाइक करते हैं? बिल्कुल। इनके कबूतर भी आपके पास मौजूद हैं जी?
परफॉर्मेंस में नंबर वन कौन है आपकी नज़र में? मेहर साहब वाले कबूतर हमारे पास जो है ना ज्यादा ज्यादा है। बिल्कुल ठीक, शौक करवाएंगे किसी मेहर साहब वाले कबूतर का? जी जी कराइए। जी सलाम अलैकुम भाई जान, क्या नाम है आपका? जी जी मोहम्मद आमिर। आमिर साहब आप हाजी साहब के शागिर्द? माशाल्लाह ठीक है। लो जी ये हाजी साहब शौक करवा रहे हैं माशाल्लाह। इसको आप क्या बोलते हैं जी? कमगर कबूतर है। कमगर कबूतर जबरदस्त। माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत आला। इसके साथ मादा किसी में इतनी हाथ में से पकड़ लो मोबाइल दिखाएं सर। नहीं बस ये हाथ ना क्लोज करो इन। ओके समय आ कराना होना ना और करें। जी दोस्तों तुसी देख रहे हो माशाल्लाह अकल दे बादशाह कबूतर ने और अख दे विच रिंग कैसे ने, जालियां कैसियां हैं, मतलब पिछे करेजी रिंग है, फिर प्याजी रिंग है, फिर एक होर लाइट ब्राउन रिंग है, फिर वो अगे बिलू रिंग है। तो यह कबूतर अकलों के बादशाह कबूतर। हाई साहब इन्हों की मतलब रात रह के भी आने की सलाहियत इन्हें है या रात रह जाए या मतलब की कोई अच्छा माशाल्लाह। लो जी मेरे नहीं ख्याल दे बेचा कबूतरी बच्चा घट उड़ावे या मतलब ये परवास घट हो। क्यों राणा साहब की कहें? लाजवाब। इसके पार का कदम देखें, ये देखें, ये देखें खंजर ही बने हैं पूरा। हाँ जी नंग जाएगा। हाँ जी और कराची की हवा नू चीर के आसमान दे विच वड़ना इस कबूतरी तो खत्म। अभी माशाल्लाह से यही कबूतर अभी चैंपियन बने हैं, कराची चैंपियन यही है। अच्छा जी और दिखाइए। ये मेरा फेवरेट है हाजी साहब का माशाल्लाह से चाहिए कबूतर। अच्छा कोई उड़े हुए कबूतर 5-7-10 का शौक हो सकता है? वो ऊपर ऊपर छत पर होगा। अच्छा जी ये ब्रीडर है? हाँ। लो जी है कबूतर कराची छोड़ रहे ने हुन जितना जेड़ा ना नसीब दी गल है। एवं नहीं हाई साहब दे इधर ने वड्डे रिकॉर्ड लग रहे, हाई साहब दे कोल कबूतर भी बहुत बुला दे और आउट क्लास कबूतर है। और साढ़े नाल 141 बंदे 141 वाचिंग व्यू है इस वक्त हमारे साथ। और ये अगर 10 बच्चे निकाले ना तो 10 के 10 शाम तक उड़े। अब मैंने वादी में जाना है। स्टैंप खा जाएंगे? हाँ जी खाएंगे इंशाल्लाह। देख लो राणा साहब बे साख्ता कैसे बोलो। हाँ कैसे राणा साहब की आवाज। राणा साहब माशाल्लाह जी चैंपियन उस्ताद हैं, इससे आगे क्या है। हम आए हैं तो धूप भी आगे देख ले। मौसम बड़ा कंफर्टेबल आप लोगों के आ देख है ना, बड़ा ठंड थी। लो सर और कोई सर एक दो लाल आंख में दिखाएं जरा। पहले 3-4 लाल आंख वाले दिखाएं फिर 3-4 जो है ना वो टैडी दिखा दीजिएगा। ये इस तरह रखना जैन सवाल करेगा तो फिर उधर हां ये ओ कुछ कुछ रख लो इस जगह पे ठीक है। यही उड़ते हैं अब खूबसूरत कह रहे हैं, खूबसूरती भी है लेकिन इनका फैंसी से कोई ताल्लुक नहीं है जमीन से। समझता हूँ शेख साहब तुम मोबाइल पता कि लो जी भाई साहब कबूतर लेके आए खुद ताकि मैनू अगे ना जाना पे मेरे कबूतर का कुंडा पूरा जड़ा ना। अगर कोई बंदे मेरी आवाज़ पहचान रहे तो ये कबूतर के कुंडे देख लो
ये रब्बी हरने हैं, वैसे नहीं हरने कबूतर है। हाँ जी, क्लिक करो जरा सेंटर, डबल पे डबल क्लिक करो। जवाब बहुत आला। जी सर, वाह भाई साहब, चलो दूर कर दे। राणा साहब ने जी डायरेक्ट जिहड़ा सी ना पिन पॉइंट करता। हाँ जी, जवाब नहीं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, लो जी बहुत ही अलग कबूतर। इससे आगे आपको आईज का क्लोजअप कोई नहीं दिखा सकता और ना ही इतना क्लियर व्यू आपको मिलेगा। माशाल्लाह जी सर, लो जी खूबसूरती की भी इंतहा। टैडी लवर आ जाए जी, और क्लोज करें। ये और जैन भाई एक जैसे दूर करना जी। टैडी भी उसी कुंडे में है। किसने? नहीं नाश्ता नहीं करना, अभी शॉप करेंगे फिर बाद में। बस बस भाई, बड़े वाला कबूतर ने आज सब को यार। लो जी, ये मुझे नहीं पता लेकिन ये चैंपियन कबूतर है। भाई साहब का क्या है इसमें, लेकिन ये चैंपियन कबूतर है। राणा साहब के साथ रह रहा है कि ना जी, हमें भी कबूतरों से बातें करनी आ गई हैं। कबूतरों की जुबान आप समझने लग गए। हाँ जी, ये उड़ा हुआ है ना कबूतर, जैन पूरा जादूगर हो गया जी। हाँ जी, तो जी आखिरी फूक तुसी मारनी। मैं मारी जा रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रही। मैं समझ आ गई, लेंथा नहीं गलत, गौर रखा करो बस। उस्ताद जी मजा आ गया, ये कबूतर देख, अलग कबूतर माशाल्लाह। एक दिखाता हूँ रामपुरी टच के ना, दिखा दे। चलो ग्रेट भाई, तुम इधर आ जाओ, तुम्हारे नाल गल्ला करिए। ए फोन में बात ना है, साथ में नाल लगे सरार, इधर आ जाओ। फोन चला लेना ना, क्लोज नजदीक है, बड़े सुकून ना, रिलैक्स हो गया अपन। कबूतर का शौक करा के ना फिर गल करते भैया। अच्छा जी, ये रामपुरी टच वाले, रामपुरी ये भी ऑर्डर है इधर रामपुर क्या से अंदर तो रामपुरी जी। माशाल्लाह जी, है कैमरामैन ठीक है जी, पूरा कुंडा दिखा दूर करके ना।
किधर है दरदारी? कमेंट्स इतने होंगे, कमेंट्स ना तो ऊपर लेके जाना, हाथ में थले करो, ठीक हो गया, थले करो मोबाइल, मोबाइल मोबाइल थले करो, ऊपर जाके कबूतर ठीक हो गए, ठीक ठीक ठीक, कमेंट्स थले रहन तो कबूतर उतनी जगह आ जाना, ठीक है ना, ओके हो गया। लो जी माशाल्लाह जबरदस्त जिन भाई, ये वो रामपुरी कबूतर अच्छा, हां ये टैटू में अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस करके बड़े अच्छे रिजल्ट अच्छा। मैंने आपको क्या बताया, हम लोग फैंसी पालते हैं तो लके पाल लेते हैं, लके दिखा लके हाँ जी, हाँ जी। फैंसी हो मैं, अगर मैं शौक हो जाता तो, और मेरी छत पे जाएंगे ना जैसे, तो वहाँ गोले भी मिलेंगे, नया गोले अच्छा, गोले हमें चाहिए, हमने गोले बम के उधर दरारे में जा रहे हैं जी, शौक दिखाने वहाँ वो हमें भी ट्रेन में भी एक कबूतर आबाद ही मिल गए, अच्छा अच्छा, उसने हमारे साथ था ना वो जो इंचार्ज था उधर का, कैबिन का, वो भी कबूतर आबाद था, पिंडी का था, उसने हमें फिर बड़ा मतलब जाना वो प्रोटोकॉल दिया, टाइम दिया सारा, वो भी फैन ही निकल आया था, वो फैन निकल आया भाई, कह रहा था कि सफरनामे में पूरी कबूतर आबादी दे जाओ, कबूतर आबादी वो कह रहा था, दाना पानी और कबूतर आबादी दे गए, बहुत पुरानी नदी है पच्चीस घंटे ऐसे बन रहे थे, उसमें भी हाजी साहब अच्छे घंटे कबूतर की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि हवा रिस्क कम करे, जिस तरह जहाज है माशाल्लाह जी, भाई साहब लेके आए शहर तुम, लो जी कबूतर है मेरठ के गोला, अच्छा इनकी भी यही है, ऊंची वाले, हाँ हाँ ऊंची वाले, बहुत ऊंची वाले, ये कमंगर होते भी ऊपर ऊंचे के होते हैं, हाँ कमंगर वाले काम कर रहे हैं, ये लीजिएगा ये प्योर इंडियन कबूतर, आज तक संभाल के रखा है 40 साल से ना, सब 40 साल से ऊपर, सर ये नहीं करो हाथ मुंह कैमरे का, अच्छा इस तरह आबाद है, आबाद ऐसा कुंदा कम कबूतरों को लगा होता है जो इस वाइट मादा को लगा है, ओ कोई शक नहीं सर, ते लाल बोलियां वाला कुंदा है सर जी, हां जी तो सर जी अखां केंदियां जोड़ केंदे सी जाया नहीं होना, पर केंदे सी बहना नहीं
सारे उच्ची वाले कबूतर और बहुत जबरदस्त कबूतर और मेरे ख्याल वैसे ही कबूतर इन्हें जो बने प्योर इंडियन है वो इंडिया में क्या कहते हैं इनको मीरठ से जी हाजी साहब को गिफ्ट आए हुए कबूतर हैं इंडिया से वहाँ से उनके उस्ताद खुद लेके आए थे और हाजी साहब कह रहे हैं इनको गोले कहते हैं उधर के मीरठ के। अच्छा ना सर तुसी हाजी साहब के कबूतर देखे ने ਪਰਵਾਦੀ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਬ੍ਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਕੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਓ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮੇਤ ਹਾਰ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਕਾਬਲੇ ਤਸਖੀਰ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਨਜਾਨਾ ਬੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ 7 ਹੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿਟਮੈਨ ਦਾ ਹਿਟਮੈਨ ਹਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਤਨੇ ਬੜੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਟਮੈਨ ਮਤਲਬ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ उम्मीद है शौक और मुख्तसर जी गुफ्तगू पसंद आई होगी और हाई साहब बड़े खामोश तबीयत बंदे है लेकिन खामोशी के नाल ही परफॉर्मेंस इस तरह की रखते कि सोचन और मेहनत करने वाले बंदे नूं वरता हैरा च पा दिता जोड़ा मैं जरूर दिखावांगा बंदे नूं दिखाओ तो मैं हाजी साहब का ऑनलाइन पूरे परे भी जो भी मतलब मैं लैके नहीं सी रहा लेकिन हाजी साहब रात तो लैके हुण तक मतलब जदों दे सानूं मिले ने हाँ जी ऐसी मेहमान नवाजी और ऐसा सिस्टम है तुहानूं वी कह के हटिया कि हाजी साहब नूं हुण जरूर लैके आना कदी इंशाल्लाह जरूर असीं किते हिसाब बराबर जिंदगी का कर लईए बिल्कुल ठीक है ये इनका प्यार है ते है मेरे फेवरेट कबूतर ने अच्छा। ने बड़ा जोड़ा ही मेनू गिफ्ट करता और हाजी साहब ने मेनू इत्थे टैडी मैर मैर असगर साहब वाले जिहड़े ने हाई साहब वाले मेनू इहदे विच भी अंदर छड रहे सी कि अपनी मर्जी दे दो फड़ो मैं कहा हाई साहब मैं कबूतर नहीं लैने ते तुहाडी ये बहुत मैं अगे ही बहुत मशहूर हाँ हाँ जी ते मैं तुहानू दोस्तां नू दिखाण चलां ते ये बहुत बड़ी गल हुंदी कि जिहड़ा मर्जी फड़ लो अच्छा सर मैंने एक गल दसना राती एक पिक्चर मैं लाई फेसबुक से तुसी हाजी यूसुफ साहब का हाथ चुम रहे थे लोगों ने कहा कि बाबा जी की दम किया कादी केड़ी खुशी हाथ चुमे है बाबा जी नु मैं हाजी साहब एक दरवेश सिफत इंसान मिलते पाए गए ने ठीक अच्छा जी एदा शौक कराने पहले गल दसो हाथ के चुमे है हाजी साहब नु मैं कहा हाजी साहब एक दवाई साडे लई कर दियो अच्छा जी क्योंकि मैं बड़ा मतलब ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਣ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਫਤ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦੇ ਆਜਿਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਜੂਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਜਿਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਦੀ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਕਿ ਆ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਉਧਰੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਮਨੋੜਾ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਾਵਾਂ ਟਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਏ ਬੜਾ ਜੋੜਾ ਕਮਗਰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਠੀਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 262 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਈਵ ਨੇ
परवाज ही नहीं मुकदी। हाँ जी दिन मुक जाना परवाज नहीं मुकनी इस तरह ही। और जिसम ऐसा है कि भावे 48 टेंपरेचर भी इतने पवे ये खुश्क नहीं होने लगे। हाँ जी दादा इस तो अगे कबूतर की अख के जर्रे देखना और कंप्लीट इसकी अख चक पाना जेड़ा ना ये मादा है। ए माता है। अच्छा जी ए नारे जी बड़ी कैपेसिटी रहा सर माशाल्लाह बहुत आला। दूसरी साइड से फड़े होने जोड़ा तो ब्रीडर ही लाता फिर। हाँ जी इंशाल्लाह ताला फैसला बाद दे विच मैं बाजी जी भी पावांगा इन्हां दी सेहत जिंदगी रवे इंशाल्लाह। और हाजी यूसुफ साहब दे नाम तो ही है कबूतर इंशाल्लाह ताला उड़नगे और बाजी जी मैं जरूर पावांगा इंशाल्लाह। और मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ जी साहब ताडी मेहमान नवाजी का जिहड़ा असीं नहीं देन दे सकदे क्योंकि अगर तुसीं उत्थे आओ मतलब ऐसे मेहमान नवाज ऐसे नफीस इंसान और मतलब अपना टाइम निकाल के इतना ते सानू शौक भी करवा रहे ने साडे नाल भी ने ते मैं बहुत शुक्रगुजार हां इन्हां दा और इन्हां दी टीम दा पूरी उन्होंने अपनी जित को कई साल तो चैंपियन ने। हाँ जी कबूतरां च बेमिसाल ने इखलाकिया च बेमिसाल ने मेहमान नवाजी बेमिसाल ने उत्तों जिहड़ी रहिंदी खुंदी कसर है उन्होंने ताड़ा भी वट कटता। हाज साहब ने अपनी कामयाबी की गल तुहानू भी दस्सी कि समुंदर पार जाओ इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि 2020 दे चैंपियन इंशाल्लाह जरूर बनेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब राणा साहब ने तो माशाल्लाह मेरे हल्के कोई तुहाडी मुहब्बत और प्यार दे विच और कबूतरबाजी ते कोई गल नहीं पिछे रहन दित्ती ते अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे अल्लाह पाक तुहानू हमेशा कामयाब रखे। कराची का जिहड़ा शौक है और इहदे बारे तुसीं की कहोगे कैसा शौक है या किधर जा रहे हैं? रोजाना असीं देखते हैं कि कोई ना कोई बंदे आपस इख्तलाफ करते ने कोई ना कोई मतलब है शौक ली तुसी की कहना चाहोगे की करना चाहिए? शौक माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। कराची ग्रैंड रिलायंस के नाम छोड़ रहा है जी और तकरीबन सारे ग्रुप 99% जो एक साथ एक पेज के ऊपर है। अच्छा माशाल्लाह साथ हाँ कब उड़ता है माशाल्लाह सारी बड़ी छतें उसके अंदर होती है। बहुत अच्छा शौक हो रहा है 60-70 छतें उनकी इस ग्रुप में उड़ रही है। उम्मीद है इंशाल्लाह और भी ज्यादा बेहतर होगा मौसम गर्मा के अंदर बहुत ज्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी फाइट होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई साहब। हम जो है राणा मुन्ना साहब के शुक्र गुजार हैं इन्होंने हमारा शौक देखा हमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आए। ये खुद बहुत नाइस इंसान है बहुत अच्छे इंसान है जी जी उनको भी दूसरा इसी वजह से अच्छा लगता खुद अच्छे है ना दूसरों भी अच्छा। बिल्कुल भाई साहब बड़ी मेहरबानी है भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी अल्लाह।